नमस्कार मित्रों, मैं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। खबर शुरू करने के पहले सबसे पहले आपको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आप TV20 न्यूज पर बने रहिए, देखते रहिए TV20 न्यूज। उत्तर प्रदेश सह प्राथमिक शिक्षक संघ की जिलाध्यक्ष अनिता साइलेश ने शुक्रवार को परिषदीय स्कूलों के बच्चों तथा शिक्षकों से संबंधित विभिन्न समस्याओं का एक ज्ञापन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंपा। जिलाध्यक्ष अनिता साइलेश ने बताया कि परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को अभी तक पूरी किताबें वितरित नहीं की गई है। परिषदीय विद्यालयों के अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में तो अभी उत्तर प्रदेश सह प्राथमिक शिक्षक संघ की जिलाध्यक्ष अनिता साइलेश ने शुक्रवार को परिषदीय स्कूलों के बच्चों तथा शिक्षकों से संबंधित विभिन्न समस्याओं का एक ज्ञापन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंपा। जिलाध्यक्ष अनिता साइलेश ने बताया कि परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को अभी तक पूरी किताबें वितरित नहीं की गई है। परिषदीय विद्यालयों के अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में तो अभी तक एक भी किताब नहीं पहुँची है तथा हिंदी माध्यम के विद्यालयों में भी बच्चों की संख्या के मुताबिक किताबें उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिससे बच्चों को पढ़ाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में पिछले 5 वर्षों में किसी भी शिक्षक की पदोन्नति नहीं की गई, जो शिक्षकों के साथ घोर अन्याय है। ऐसे में प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के पदों पर शिक्षकों की अविलंब पदोन्नति किया जाए। आजमगढ़ के बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के इंदिरा गांधी बालिका इंटर कॉलेज कोयलसा में अमृत महोत्सव के अवसर पर साक्षर शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विधिक साक्षरता शिविर एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ के विधिक सचिव अनिता ने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि भारत परंपराओं का देश है, इस देश में नारी पूजा को बड़ी ही महत्व दिया गया है। हमें पुनः अपनी बेटियों की स्तुति और सम्मान को बढ़ाने के सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं से आज के समाज में बेटियों बेटों से बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में दिनेश चंद्र जनपद न्यायाधीश, महिला की शिक्षा पर पुरुष की शिक्षा से अधिक ध्यान देना चाहिए, सरकार की पहल बड़ी ही सराहनीय है। महिला कल्याण विभाग के शिवानी त्रिपाठी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। बूढ़नपुर तहसीलदार शक्ति प्रताप सिंह ने भी छात्राओं व महिलाओं के हित की बात कही। सरकारी कार्यक्रमों योजनाओं का कैसे लाभ लिया जाए, इनके बारे में सबके द्वारा बताया गया। यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब जो किशोर न्याय बोर्ड के थे, उनके द्वारा कानूनी बिंदुओं को बताया गया, जो न्याय जस्टिस के बारे में। यहाँ पर महिला विकास कल्याण अधिकारी थे, उनके द्वारा महिला विकास से संबंधित योजनाओं के बारे में बताया गया है। और इसी प्रकार के आयोजन अमृत महोत्सव के रूप में लगातार चलते रहेंगे। ये प्रोग्राम चल रहा है, नवंबर से शुरू हुआ है, 15 अक्टूबर तक चलेगा। इसके अंतर्गत विशेष विशेष विषयों पर कार्यक्रम अनेक स्थानों पर किए जाएंगे। अच्छा, ये अमृत महोत्सव जो सफल होना चाहिए, जिस हिसाब से बच्चियों का स्कूल है यहाँ पे, भागीदारी बढ़ती, ज़्यादा बच्चियाँ बच्चों में एजुकेशन ले रही हैं, इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? इसके लिए देख करके बहुत अच्छा लगा कि कोरोना जैसी एक ऐसी महामारी थी, जहाँ पर जिसने लोगों की मानसिकता को एकदम नीरस कर दिया था, उत्साह को आज देख करके लगा कि वो कोरोना के भय से लोग आगे आ चुके हैं। और इसी हिसाब से आने से होगा कि दूसरा व्यक्ति भी तत्पर होगा कि हमें भी स्कूल चलना चाहिए, स्कूल में पठन पाठन फिर से सुधरेगा। और ये साक्षरता प्रोग्राम जब चलेंगे तो इन्हीं लोगों के द्वारा अपने अधिकारों को लेकर के, अपने कर्तव्यों को लेकर जागरूक हुआ जाएगा, जिसके बारे में कभी कभी होता है कि अभिभावक की जागरूकता न होने के कारण बच्चों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। और स्वयं बच्चे अगर जागरूक रहेंगे तो उनके द्वारा भी अपने अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा, और अभिभावक भी फिर अपने बच्चों के कल्याण के लिए वो हर संभव प्रयास करने का प्रयास करेंगे। अगर जागरूकता की बात की जाए तो आज के समय के पहले के से ज़्यादा बच्चे जागरूक हैं, हर योजनाओं के बारे में तुरंत जानकारी लेते हैं और हर योजनाओं के पर दृष्टि डालते भी हैं। जैसा कि मैंने अपने संबोधन में इन लोगों को बताया था कि साक्षर होना और जागरूक होना दोनों में अंतर है। जब हम कोई सूचना जानते हैं तो उसके बारे में साक्षर होते हैं, जानते हैं, लेकिन जब उसको हम कार्य रूप में परिणित करते हैं तब हम जागरूक होते हैं। तो
सरकार की योजनाएं हैं जो समय के अनुसार उनको उपलब्ध हैं, यदि ये कार्य रूप में परिणित कर लेंगे तो हम उनको जागरूक मानेंगे और उसी से ही इनका विकास होगा। बहुत आजमगढ़ से खबर है, जहां अजय कुमार अग्रवाल संयोजक व्यापारी जनसंवाद कार्यक्रम ने TV20 न्यूज को बताया कि आजमगढ़ व्यापार मंडल की तरफ से कल 10 अक्टूबर को शाम 3 बजे नेहरू हॉल में व्यापारियों की समस्या समाधान हेतु व्यापारी जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व IAS अधिकारी अरविंद शर्मा, MLC एवं उपाध्यक्ष UP BJP होंगे। कार्यक्रम के संयोजक अजय कुमार अग्रवाल ने सभी व्यापारी बंधुओं से अनुरोध किया है कि आप सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर मुख्य अतिथि के सामने अपनी समस्याओं को खुलकर रखें और ऐसे कार्यक्रम का लाभ उठाएं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अरविंद शर्मा के माध्यम से हम अपने दुख सुख को, अपनी बातों को अपने प्रधानमंत्री तक पहुँचा सकेंगे, जिससे सभी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। आजमगढ़ के भूटनपुर तहसील क्षेत्र के उसी गांव में लहराती किसान की फसल भारी बरसात होने से गिर गई। फसलें पकने का समय हुआ तो अनेकों प्रकार के कीटाणुओं का आक्रमण शुरू हो गया है। जैसे लेटा व पीला वाला रोग बहुत ही तेजी से फैलने लगता है तो ये माछी पतंगे जैसे मच्छी पतंगे जैसे अनेक प्रकार के कीड़े द्वारा धान की फसलों को नष्ट कर दिया जा रहा है। वही किसानों का कहना है कि हम 6 महीनों से फसलों की रखरखाव समय पर करते आते हैं, इसके बावजूद जब हमारी फसल तैयार हो जाती है तो काटने के समय पर हैं, हम किसानों की फसल घर में जाते समय आधे से ज़्यादा नष्ट हो जाती है, जिससे किसान परेशान है। क्या नाम है? दलीप यादव। कौन सा गाँव? उसरी। अच्छा, क्या है आप? किसान। कहाँ बैठे हैं यहाँ? धान की फसल की है। अच्छा, क्या दिक्कत है? दिक्कत है, लेढ़ा लग चुके हैं, कुछ माछी के है, बड़ी वाला फतंगी है। इसकी दवा कोई छिड़काव? कौन दवाई ना छिड़काव भैले बतावल जे तो की कोई दवा नहीं आई इसकी? ना है। आजमगढ़ में डेंगू और डायरिया से सुरक्षा हेतु साफ सफाई और छिड़काव की मुहिमें कोलबाज बहादुर से लेकर सिविल लाइन रोडवेज पर पुलिस क्लब के अध्यक्ष SK सत्यन और भारत गैस एजेंसी के आसपास चारों तरफ डायरिया, मलेरिया और डेंगू का प्रकोप से बचने के लिए जगह जगह एंटी लार्वा खाद छिड़काव, साफ सफाई के प्रति जागरूक किया गया। प्रमुख सामाजिक चिंतक अरविंद चित्रांश ने कहा कि स्वच्छता अभियान किरण माकुड़े, CP यादव और गुलाब चौधरी द्वारा साफ सफाई और छिड़काव की मुहिम अनवरत लाते रहना बचाव का एक कारण सिद्ध होगा। आगे अरविंद चित्रांश ने बताया कि शहर से लेकर गांव तक जनपद में जहां जहां पानी इकट्ठा हुआ है वहां वहां एंटी लार्वा का छिड़काव और साफ सफाई जरूरत करते हैं। कोशिश रहे कि पानी कहीं भी इकट्ठा ना हो और जहां पानी इकट्ठा हो जा रहा है वहां छिड़काव जरूर करें ताकि हमारा परिवार और हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। आजमगढ़ में बाइक सवार दो बदमाशों ने युवक को गोली मारी, हालत गंभीर है। SP सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि हरिंदर पासवान पुत्र धीरज पासवान अपनी बहन से मिलकर वह अपने गांव कटाई जा रहा था। बछवल गांव से मात्र 2 किलोमीटर सिवान में हटवा देवरिया मोड़ पर एक बाइक सवार दो बदमाशों ने गोली चला दी। एक गोली पेट में लगी है। सूचना पाते ही थाना प्रभारी मेहनगर पंकज पांडे तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल को अपनी गाड़ी में लेकर आज सरकारी अस्पताल मेहनगर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया है। वही थाना प्रभारी का कहना है कि पुलिस जगह कहना है कि मामला संदिग्ध है, दोषी जल्द ही पकड़े जाएंगे। घायल के बयान से लग रहा था कि लूट घटना उसके साथ नहीं हुई है। क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक ने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, वो लूट नहीं है, वो एक दो व्यक्तियों ने, एक व्यक्ति की जो कि अपने बहन के आया हुआ था उसके गोली मारी है, पेट में उसके गोली लगी है और मजरूह ठीक है, उसे बनारस भेजा गया है हॉस्पिटल में इलाज के लिए और मजरू बोल रहा है ठीक है, मजरू की हालत फिलहाल स्थिर है और उसका इलाज शुरू हो गया है। ये लूट की घटना नहीं है और ये जिसने भी कहा है लूट की घटना नहीं है और इस संबंध में कहना चाहूँगा कि ये प्योरली कुछ आपसी मामला है जिसमें उसे गोली मारी।